तो हमने क्या बोला कि स्पास्टिक में क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच क्यों होगा। मैं आपको यूएमएन और एलएमएन में पूरा डिफरेंस बहुत सारे लेक्चर्स में समझा चुका हूं बार बार। यूएमएन खराब होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था अपर मोटर न्यूरॉन ही होते हैं, जो अगर अपर मोटर न्यूरॉन बिगड़ जाए, उनका लीजन हो जाए तो क्या होता है, मैंने बताया अपर मतलब ऊपर जाना यानी टोन बढ़ जाती है, बताया था। और लोअर मोटर न्यूरोन पे मैंने क्या बताया था कि टोन कम हो जाती है, तो इसके लिए कौन से मोटर न्यूरोन इसके बिगड़ेंगे, अपर मोटर न्यूरॉन। मैंने बताया था कि जब भी टोन बढ़ती है तो हमेशा जो आपके क्या होता है रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सब की सब क्या एग्जीक्रेट बढ़ जाते हैं। रिफ्लेक्स सारे कैसे हो जाते हैं, एग्जीक्रेट बढ़ जाते हैं, और अगर टोन चली जाए तो सारे रिफ्लेक्स कैसे हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं। तो इनमें आपको अब इसमें क्या है, सिंपल सा बोल सकते हो सर यूएमएन है टोन बढ़ी है यानी रिफ्लेक्स सारे एबनॉर्मल रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे। तो ठीक है, कॉज्ड बाय डैमेज टू द यूएमएन इन द कॉर्टेक्स, इंक्रीज मिलेंगे क्या, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। मैंने कहा ना डीप टेंडन रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलते हैं। एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स यानी बेवेंस की रिफ्लेक्स, पूरा समझाया, बेवेंस की रिफ्लेक्स भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और क्या मिल सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट मिलेंगे क्योंकि स्पास में चला गया तो एंकल क्लोनस मिलता है। क्लोनस का मतलब समझो ना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट मिलेगा एंकल पे, एंकल क्लोनस। इवेंचुअल डेवलप, और आखिरी में देखो मसल स्पाज में तो कॉन्ट्रेक्चर बन नहीं है, तो इवेंचुअली डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चर। इसीलिए ध्यान रखना जब सर्जरी वर्जरी, जब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट आपको स्पास्टिसिटी का ही बताऊंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू सर्जरी। क्यों, क्योंकि इसमें सर्जरी करनी पड़ जाती है क्योंकि इतने ज्यादा कॉन्ट्रेक्चर बन जाते हैं, ज्वाइंट्स वगैरह से फ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। फिर हमें सर्जरी करके टेंडन्स को काटना पड़ जाता है, या मसल को लंबा कर दो, है ना, या फिर ज्वाइंट्स को रिलीज करो। तो इनकी सर्जरी अपन ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे स्पास्टिक वालों की ज्यादा। एबनॉर्मल पोजिशनिंग हो जाएगी ज्वाइंट की, क्यों, क्योंकि भैया वो ज्वाइंट डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएगी, लीड्स टू ज्वाइंट डिफॉर्मिटी। ये था पहला स्पास्टिक यानी इसकी गोल्डन लाइन कि इसमें टोन बढ़ेगी। इसकी गोल्डन लाइन आपको यही देखनी है, तीन चीजें याद रखनी, इसकी टोन बढ़ेगी, रिफ्लेक्स एग्जीक्रेट मिलेंगे, बढ़े हुए मिलेंगे, और वो इसी से रिलेटेड है। यानी मेन गोल्डन लाइन है कि इसकी टोन बढ़ी मिलेगी यानी मसल स्पास, अगर उसको सीधा पकड़ लो। बाकी अभी मैं बताऊंगा बहुत सारे कॉमन सिम्टम जो सब में मिलते हैं, इसकी गोल्डन लाइन यही है। ठीक है, बोले दूसरा होता है डिस्टोनिक कोरियो एथिटोसिस। ये इस नाम से कभी नहीं आता, मालूम है, आ सकता है इस नाम से, इसको इतना बड़ा नाम कोई नहीं लेना चाहता, डिस्टोनिक कोरियो एथिटोसिस सीपी। तो बोले क्या नाम होते हैं इसके, दो नाम और होते हैं, एक होता है डिसकाइनेटिक सीपी, डिसकाइनेटिक सीपी। एक नाम और होता है जिसे मोस्ट कॉमन बोलते हैं, एथिटॉइड सीपी, एथिटॉइड, ATETHOTOID, एथिटॉइड सीपी। ठीक है, अब देखो नाम से समझो, पहले नाम से समझो, डिस्टोनिक, डिस्टोनी और कोरिया और एथिटोइड, तीनों की तीनों इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। यानी इसकी गोल्डन लाइन होती है कि इसमें मसल रिलेटेड कोई चीज नहीं होती, मगर पेशेंट एबनॉर्मल क्या मूवमेंट दिखाता है, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट दिखाता है। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के ऊपर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सके, तो एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन पेशेंट पे देखते हैं। और तीन टाइप के मिक्सचर को डिस्टोनिक कोरियोएथेटोसिस बोलते हैं। जैसे डिसकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, डिस मींस डिस्टर्ब, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, तो ऐसे लोगों के मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसी को एथेटॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको स्पास्टिक वाले सीपी का फोटो दिखाता हूँ। ये स्पास्टिक सीपी के बच्चे हैं, दिख रहा है कैसे कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, फ्लेक्शन इस तरीके से आपको कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलपमेंट दिखेंगे। ये स्पास्टिक का बच्चा है। अब होगा क्या इसमें, अब एक एक लाइन पहले तीन हम गोल्ड बोल लेते हैं कि डिस्टोनिया का मतलब क्या होता है, बाकी तीनों को समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक बताता हूँ डिस्टोनिया का सिंपल। कुछ एक लाइन में मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन दैट इज रिपीटेटिव मूवमेंट। डिस्टोनिया यहाँ डिस्क्राइब करेगा रिपीटेटिव मूवमेंट को, बार बार एक ही मूवमेंट को बहुत ज्यादा रिपीट करेगा, और डिस्टोनिया और इनवॉलेंट्री खुद से नहीं करेगा, हो रहे हैं तो क्या, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन दैट इज रिपीटेटिव मूवमेंट बार बार दिखाएगा। कोरिया मतलब सर, बोले कोरिया का मतलब होता है फास्ट और अनप्रिडिक्टेबल कॉन्ट्रेक्शंस, एबनॉर्मल, बहुत तेजी से करेगा और अनप्रिडिक्टेबल, नहीं पता कौन सा कॉन्ट्रेक्शन करेगा, मतलब इधर उधर बोलते हैं ना बच्चे, उधर हाथ पैर फेंकेंगे, तो हम कैसा फास्ट होगा और अनप्रिडिक्टेबल मसल कॉन्ट्रेक्शन। और एथिटोसिस का मतलब क्या होता है, एथिटोसिस का मतलब होता है स्लो राइटिंग मूवमेंट, यानी ऐसे लोग लिख नहीं पाएंगे, आप उनको जब लिखवाएंगे तो बहुत स्लो लिखते हैं। इसको मालूम क्या बोलते हैं स्लो राइटिंग को, मालूम है, वॉर्म लाइक राइटिंग,
वॉर्म वॉर्म बोलना बोलते ना, देखा ना वॉर्म्स ना छोटे छोटे कितने धीरे धीरे चलते, तो उस तरीके से लिखते हैं। तो इसकी ये गोल्डन लाइन क्या मिलेगी कि एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मिले तो उसे बोलते हैं डिस्टोनिक कोरियोएथेटोसिस या डिस्काइनेटिक सीपी, डिस्काइनेटिक सीपी या एथिजॉइड सीपी। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोरियोएथेटोसिस आर फ्रिक्वेंटली कंबाइंड विद डिस्टोनिया। देखो कितने, तीन इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गए, कोरियो एथिटोसिस एक दो, और जो वो कंबाइंड हो जाए डिस्टोनिया से, तो उसे ये टाइप बोलते हैं। पोस्ट क्या, पोस्चरिंग दैट दे आर कन्वीनियंटली क्लासिफाइड टुगेदर, तीनों एक साथ आते हैं। द डैमेज इज सेंटर, अब ध्यान रखो, आपको पता है, मैंने आपको बताया था इनवॉलेंट्री मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल बेसल गैंग्लिया होता है, बताया था। तो अब ये क्या होता है कि बेसल गैंग्लियो के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। कोरियोएथेटोसिस रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉर्डेट न्यूक्लियस के, जो बेसल गैंग्लियो के अंदर कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, उसका अगर डैमेज हो जाए तो आपको होता है कोरियोएथेटोसिस, और ग्लोबस पैलिडस का जो हो जाता है डैमेज, उसकी वजह से होता है डिस्टोनिया। और ये दोनों किसके पार्ट है, बेसल गैंग्लियो के। तो बेसल गैंग्लियो में अफेक्ट होता है, ठीक है। स्पास्टिक वाले में क्या अफेक्ट हो रहा था, यूएमएन, इसमें क्या अफेक्ट हो रहा है, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, मैंने कोरिया से मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड विद डैमेज टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड डिस्टोनिया बाय ग्लोबस पैलिडस। अब एक बार तीनों को समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्या होता है एथिटोसिस, क्या होता है कोरिया, और क्या होता है डिस्टोनी। एथिटोसिस में अब देखो तीनों के बारे में एक लाइन बोली थी मैंने अभी, एथिटोसिस इज अ इररिप्रेसिबल, मैंने बताया था एथिटोसिस में क्या कहा था, स्लो राइटिंग, इररिप्रेसिबल स्लो राइटिंग मूवमेंट, द रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अच्छा, आप अगर कोई भी मूवमेंट कर पाते हो, मैंने कहा था ना, आप सारे के सारे मूवमेंट सिर्फ इस वजह से कर पाते हो कि आपकी गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक साथ काम करती है। अगर आप लिख पाते हो ना, तो आपकी फिंगर्स की फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक साथ काम करे, कि फ्लेक्सर्स को मूव करे और एक्सटेंशन, आप हर काम ऐसे ही कर पाते हो। आपको क्या लगता है कि जब आप फोरआर्म पर फ्लेक्शन करते हो तो सिर्फ बाइसेप, बाइसेप तो खींच रही है, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर प्रॉपर आपकी ट्राइसेप एक्सटेंड ना हो तो आप प्रॉपर कर ही नहीं पाएंगे, फ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, हर मूवमेंट के लिए गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों काम करते हैं, तो इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है ना गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में, बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो राइटिंग नहीं, ऐसे लोग ना कोई भी चीज पकड़ नहीं पाते। आप इन्हें बोले जैसे कोई भी टॉय डाला है पकड़ के लाओ, तो प्रॉपर नहीं पकड़ पाते। कोई भी चीज उठाने को बोलोगे, उठाओ ये, उठाओ ये, पकड़ो, तो वो नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है गोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, और हर मूवमेंट इनके बहुत स्लो होते हैं। और स्लो कौन से मूवमेंट होते हैं, जो वो खुद से करना चाहते हैं, और जो वो खुद से नहीं करना चाहते वो इतने तेज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जो उनके हाथ में नहीं। आप और उनके हाथ में क्या कि तो आप इस खिलौने को पकड़ के लाओ, इतना स्लो करेंगे, लेकिन इनवॉल्वड मूवमेंट जो उनके हाथ में नहीं है वो बहुत स्पीड होंगे। तो कोरिया मैंने बताया था, कोरिया कैसा था, फास्ट रैपिड इनवॉलेंट्री जंप प्रेजेंट एट रेस्ट इंक्रीज बाय वॉलेंट्री मूवमेंट। यानी कितनी प्यारी चीज बोल रहा हूँ, ये ऐसे लोग जब रेस्ट पे होते हैं ना तब इनको आते हैं, और अगर अगर आप बच्चे का थोड़ी बहुत भी आप इन्हें हरकत करवाओ ना, वॉलेंट्री मूवमेंट, खुद से कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी ऐसे पेशेंट को जब हो तो इन्हें बोल दो कि रेस्ट, हाथ पैर मूवमेंट जब कुछ हो रहा है तो कुछ करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे रुक जाएंगे। यानी रैपिड इनवॉल्ट्री जब आते हैं रेस्ट पे, और ये अगर आप खुद से कुछ और, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और आपने वॉलेंट्री मूवमेंट करने की कोशिश करी, बच्चे नहीं या जो भी बड़े हो गया, तो ये और ज्यादा आएंगे। तो सॉरी, डिस्टोनिया, डिस्टोनिया का मतलब क्या बताया था, डिसऑर्डर ऑफ मसल टोन। मैंने बताया था ना कि आपको रिपीटेड एक्शन, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन, रिपीटेड डिसऑर्डर ऑफ मसल टोन एक्सप्रेस एट पोस्चुरल एबनॉर्मेलिटीज। कैसा, मसल टोन बिगड़ जाएगा, पोस्चर पूरा बिगड़ जाएगा, इंटरमिटेड कॉन्ट्रेक्टल स्पाज्म एंड स्पास्म एंड क्या, ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ट्रंक। इसलिए रिपीटेड एबनॉर्मल मूवमेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, और रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, इस तरीके के पेशेंट दिखते हैं डिस्काइनेटिक एबनॉर्मल। जो कभी अब आपका काम है यूट्यूब पे जाना, इनकी वीडियो जरूर देखना कि डिस्काइनेटिक वाले किस तरीके से एक्शन करते हैं। इनकी गोल्डन लाइन के एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ये दिखाते हैं, कौन से वाले, डिस्काइनेटिक सीपी वाले पेशेंट। थर्ड वन होता है लास्ट अटैक्सिक सीपी, ये स्पास्टिक का उल्टा है। स्पास्टिक वाले में टोन बढ़ रही थी, इसमें टोन गिरती है, ठीक है। कॉज्ड बाय डैमेज टू दी सेरिबेलम और इट्स पाथवे, ध्यान रखना, अगर आपसे मोस्ट कॉमन सी कौन सा, सेरिबेलम का डैमेज और इट्स पाथवे में डैमेज होता है, यानी तीनों का, वो पहला वाला यूएमएन, दूसरा वाला बेसल गैंग्लियो, और अटैक्सिया वाला सेरिबेलम और इट्स पाथवे। ये लाइन है, लिख के आते हो तभी नंबर मिलते हैं। साइन क्या होंगे, टोन गिर जाना,
हाइपोटोनिया। अब आप बाकी सब जानते हो, टोन गिर जाएगी तो क्या ऐसे लोग। और आप समझ सबसे बहुत ज्यादा सर इसलिए क्योंकि सेरिबेलम, और आप जानते हो मैंने आपको सेरिबेलम अटैक से सेरिबेलम का फंक्शन बताया था, क्या दो फंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट को बैलेंस करना और बैलेंस को मेंटेन करना। तो आप ऐसा पेशेंट इनकोऑर्डिनेट हो जाएगा और उसका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, भी सेरिबेलम का फंक्शन ही है। क्या फंक्शन है, आपके बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में रखना और बैलेंस को मेंटेन करना। तो ऐसे लोग ना आप ना कोई कोऑर्डिनेशन में चल पाएंगे ना उनके बैलेंस मेंटेन रहेंगे क्योंकि सेरिबेलम बिगड़ रहा है और प्लस टोन भी गिर रही है। तो अब आप खुद अपने दिमाग लगा के सब कुछ लिख सकते हो कि दीज साइंस ऑफ हाइपोटोनिया, डिस्टर्बेंस ऑफ क्या, सेरिबेलम के फंक्शंस बिगाड़ दो तो डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस, इनकोऑर्डिनेशन, इंटेंशन ट्रिमर आते हैं। इंटेंशन ट्रिमर मतलब होता है ड्यूरिंग वॉलेंट्री मूवमेंट, जब वो खुस्ते करने की कोशिश करते हैं ना तो ट्रिमर्स आते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर हल्के थोड़े बहुत ट्रिमर्स आ रहे हैं और टोन गिरी है तो अटैक्सिया है ना। डिसएर्थ्रिया होगा, डिसएर्थ्रिया मतलब क्या, सारी मसल्स की टोन गिरी, डिसएर्थ्रिया मतलब स्लर्ड स्पीच, बोलने में तकलीफ। समटाइम्स निस्टिग्मस भी आते हैं, निस्टिग्मस का क्या होता है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, एबनॉर्मल क्या, अपना आंखें ऊपर नीचे आगे नीचे करके देखेगा। और ऐसे लोग कैसे, और एटेक्सिया वाले में मेंटल हैंडीकैप बहुत कॉमन होता है, मेंटली हैंडीकैप सबसे ज्यादा कॉमन आपको एटेक्सिया वाले में मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैंने क्या कहा, बाकी उनमें भी मिल सकते हैं लेकिन उनमें थोड़े कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू अटैक्सिया वाले में। इसमें तो मोस्ट कॉमन हैंडीकैप मिलते हैं मेंटल एकर। ठीक है, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत बैठा लेना कि अच्छा बच्चा बच्चा मेंटल मेंटल हैंडीकैप है तो आप बोल दो अरे अटैक्सिक सी पे, नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एक साइड पॉइंट है। मेन गोल्डन लाइन याद रखनी, पहले के लिए स्पास्टिक, दूसरे वाले के लिए इनवॉलेंट्री मूवमेंट और तीसरे वाले के लिए फ्लैसिड, बस ये समझ लो, बाकी सब तो सब में सेम ही रहता है। निस्टिमस मे बी एसोसिएटेड विद इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। ठीक है, अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कॉमन एसोसिएटेड प्रॉब्लम ये सब में मिलेंगे। और पता है सबसे ज्यादा आपको नजर यही सब प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज्यादा नजर आपको यही प्रॉब्लम आएंगी बच्चों में जो कॉमन है सब में देखते हैं। इसलिए मैंने गोल्डन लाइन देने का आपको काम करा क्योंकि बाकी सब में यही सब दिखेगा और आप बोलोगे सब एक जैसे तो दिख ही रहे हैं, दिक्कत क्या है, हर चीज खराब होने लग जाती है। इसलिए हम स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में पढ़ के भी आए थे, डिस्टर्बेंस इन सेंसेशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, बिहेवियर, तो सब बिगड़ेगा। देखो अभी जो डेफिनेशन पढ़ के आए उसे अब अपन पूरा करते हैं। आंखें बिगड़ेंगी, विजुअल, क्या क्या विजुअल क्यों बिगड़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लग जाती है। और आप जानते हो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो बंदा बिल्कुल हैंडीकैप, बच्चे बिल्कुल विजुअल हैंडीकैप हो जाते हैं, यानी प्रॉपर ब्लाइंड कॉर्टी है ना, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज की वजह से ब्लाइंड हो सकते हैं। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस होती है, ब्रेन का कॉर्टिकल पार्ट होता है उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है। स्क्वेंट, स्क्वेंट क्या होता है, सुना है ना, स्क्वेंट मतलब भेड़ापन, हिंदी बोलते भेड़ापन मतलब क्या, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो कहीं देख रहे हैं आंखें कहीं पर हैं और देख कहीं और रहे हैं। आपने से बहुत सारे लोग देखे होंगे स्क्वेंट्स के, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज, स्क्वेंट की एक बार आपको इमेज दिखा देता हूँ। स्क्वेंट आए इस तरीके से कि आपको देखो कहीं पे देख रहे हैं, देख कहीं पर रहे हैं, बात कहीं कर रहे हैं, इस तरीके से आंखें आंखें कहीं जा रही हैं, देख आपको रहे हैं, आपको लगेगा उधर देख रहे हैं, बात आपसे कर रहे हैं। रेटिनोपैथी यानी क्या, डिस्टर्बेंस इन दी डिसफंक्शन ऑफ रेटिना। हियरिंग में क्या हो सकता है, बोले हियरिंग में नर्व डेफनेस है ना, नर्व तो ऊपर वाले में भी थी तो नर्व की वजह से ऑडिटरी नर्व चली जाए। हाई फ्रिक्वेंसी लॉस इज कर्निक टेरस, वॉट इज कर्निक टेरस, ये 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं कर्निक टेरस, ध्यान रखना। ये कर्निक टेरस ऐसा नहीं, कर्निक टेरस एक खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कर्निक टेरस का मतलब होता है, कर्निक टेरस इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज, उसकी वजह से आपको सीपी हो जाती है। पता है कर्निक टेरस की वजह मालूम क्यों होती है, सुनो, कर्निक टेरस इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज डेट कैन फ्रॉम लेवल ऑफ बिलरुबिन। कर्निक टेरस मालूम कब होता है, जब आपको, जब बच्चों को जॉइंडिस हो जाता है, और जॉइंडिस होने की वजह से क्या होता है, आरबीसी रप्चर होती है, आरबीसी रप्चर होने की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल बिलरुबिन बढ़ जाता है। अब मैंने ये तो बता दिया था मगर इससे सीपी कैसे हो रहा था, तो ये बिलरुबिन मालूम क्या करता है, आपके क्या आपके ब्रेन को डैमेज करता है। और जब ये सीपी, जब ये बिलरुबिन आपके ब्रेन को डैमेज करने लग जाए उसे बोलते हैं कर्निक टेरस। क्या बोलते हैं, कर्निक टेरस की डेफिनेशन क्या है, कर्निक टेरस इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज डेट कैन फ्रॉम लेवल ऑफ इंक्रीज बिलरुबिन इन अ बेबीज ब्लड, ब्लड में जब बिलरुबिन बढ़ जाए, क्यों बढ़ेगा, जॉइंटिस होगी तभी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो कर्निक टेरस सीपी कॉज करा सकता है, जरूरी नहीं है कि कर्निक टेरस हो तो सीपी हो ही, कर्निक टेरस तो नॉर्मल क्या प्रॉब्लम है कि जॉइंट, और इसी वजह से बच्चों की डेथ भी बहुत कॉमन होती है। मैंने बताया ना इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन डेथ बच्चों की जॉइंटिस और डायरिया से होती है, तो कर्निक टेरस ही बहुत बड़ा रीजन होता है डेथ का, कर्निक टेरस सीपी एसोसिएट करा सकता है। ठीक है,
लेकिन सी ए नहीं बोलना कि सीपी कनेक्ट अरेस्ट करा देगी, क्योंकि कनेक्ट अरेस्ट बिल्डोबिन की वजह से हो रहा है, तो कनेक्ट अरेस्ट सीपी करा सकती है। और मोस्ट कॉमन कनेक्ट अरेस्ट मालूम कौन सी सीपी कराती है, याद याद के लिए रखो, दैट इज एथेटॉइड। एथेटॉइड वाली कौन सी, सेकेंड वन वाली, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाली, यानी डिस्काइनेटिक सीपी, ये मोस्ट कॉमन कनेक्ट अरेस्ट ये वाली सीपी करा देती है। बोले स्पीच, स्पीच में क्या प्रॉब्लम होगी, डिसऑर्डर ऑफ आर्टिकुलेशन एज इन बल्बर पाल्सी, जो आपका बल्बर रीजन है वो बिगड़ जाता है, तो क्वाड्रिप्लेजिया के साथ आपकी स्पीच भी पूरी बिगड़ जाती है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, पेशेंट बोल नहीं पाते प्रॉपर, इस तरीके से आवाजें निकालते हैं। ठीक है, मेंटल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप का मतलब क्या, लर्निंग प्रॉब्लम, पेशेंट समय, और ये जरूरी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं जो बच्चे मेंटली बिल्कुल स्टेबल, मेंटली मुझसे ज्यादा होशियार हो पढ़ने लिखने में, लेकिन फिर भी वो सीपी की वजह से उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो ये जरूर याद रखना कि जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मोस्टली सीपी में मेंटल बिगड़ता है, मगर हर पेशेंट में नहीं बिगड़ता। इपिलिप्सी आ सकती है ना, इपिलिप्सी आ सकती है, सीजर, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेफिनेशन बताई थी, बिहेवियर यानी कि एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, को ज्यादा ही इरिटेबल, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, प्रॉपर पुअर स्लीप हो गई, फीडिंग पैटर्न एनसीएफ, जानते हो क्या होता है फीडिंग पैटर्न एनसीएफ, का मतलब होता है कि प्रॉपर ये लोग खाना नहीं खाते बहुत ज्यादा, आप इनको कुछ खिलाओ नहीं खाएंगे, फेंक देंगे, है ना। एंजाइटी, एनसीएफ मतलब होता है एंजाइटी, प्रॉपर प्रॉपर फीडिंग नहीं करते, खाना नहीं खाते प्रॉपर। हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या डिप्रेशन में चले जाए, तो ये इनको क्या इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। और क्या हो सकती है, और क्या क्या साइन सिम्टम्स देख सकते हैं, अब सर जो लिख के आए पूरा वो रिपीट कर दो सर। एबनॉर्मल मसल टोन या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है ना, पुअर बैलेंस, पोस्चर, कॉग्निटिव डिफेक्ट यानी थिंकिंग स्किल, लर्निंग पावर गड़बड़ हो सकती है, परसिस्टेंट मोटर डिले, यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमें मोटर डिले का मतलब क्या, कि हमें पता होता है इतने महीने पे भी बैठता है, इतने महीने पे क्रॉलिंग करता है, इतने महीने पे चलता है, इतने महीने पे बोल, तो ये मोटर डिले डिले हो जाए, और यही बच्चों में सबसे बड़ी पहचान करनी होती है हमें। ठीक है, और एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, अब एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस या तो बढ़ गए, तो कौन सा वाला, स्पास्टिक वाला, कम हो गए, तो आप जानते हो मसल टोन किस में गिर रही थी, फ्लैसिड वाले में, यानी आपका अटैक्सिक। ठीक है, अटैक्सिया, अटैक्सिया वाला मालूम उसे क्यों बोलते हो, क्योंकि उसमें मसल टोन, नाम उसका प्रॉपर सेरिबेलम के ऊपर पड़ा है, क्योंकि सेरिबेलम से आपको क्या इनकोऑर्डिनेटेड, तो अटैक्सिया दिखता है, लेकिन उसमें मसल टोन भी गिरती है, इसलिए नाम उसका अटैक्सिक पड़ा, ना कि फ्लैसिड पड़ा, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं ना, वो मसल टोन के गिरे हुए कम दिखते हैं एज कम्पेयर टू सेरिबेलम के ज्यादा फंक्शन दिखते हैं। क्या क्या होगा अर्ली, ये मेन पॉइंट सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ा अगर ये पकड़ना है, 0 से 3 महीने में आपने पकड़ लिए क्या क्या साइन है, क्या देखेंगे, स्टिफ और फ्लॉपी पॉस्चर, कि पेशेंट बहुत ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा स्टिफ है, क्योंकि हम, अब मैं बार बार आपको नाम नहीं बताऊंगा, स्टिफ मतलब नहीं बताऊंगा कि स्पास्टिक हो रहा है, फ्लॉपी मतलब अटैक्सिया, आप दिमाग लगाओ, स्टिफ और फ्लॉपी पॉस्चर हो सकता है, एक्सेसिव लिथार्जी हो रही है, बच्चा कुछ हाथ पैर चला ही नहीं रहा, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा तेज आवाज में रोए जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज हेड का कंट्रोल नहीं दिख रहा है आपको, आप करते हो तो नीचे झुक जाता है, ये चीजें बहुत कॉमन होती है, जो सबसे ज्यादा पहचान पाती है मदर्स, इसलिए उन्हें एजुकेट करना बहुत जरूरी है सीपी के लिए। और ये सबसे बड़े साइन जो बिल्कुल मापन है, बीक सक्शिंग, मतलब जब बेबी क्या ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, तो एकदम प्रॉपर शक नहीं कर पा रहा निप्पल से, तो ये पहचान होती है। टंग थ्रस्ट, टंग थ्रस्ट जानते हो क्या होता है, ये बहुत प्यारा रिफ्लेक्स होता है, ये बच्चों में नेचर ने इतना प्यारा रिफ्लेक्स दिया, ये रिफ्लेक्स 5 to 6 month में खत्म हो जाता है। मालूम इसमें क्या होता है, जब बेबी के पास आप अपना, जब बेबी के पास निप्पल या बॉटल कुछ भी करते हो, जब भी वो, जब भी उसको शक करता है ना बॉटल को या निप्पल को, वो अपनी टंग को पूरा बाहर निकाल देता है, टंग को क्या करता है मालूम है, टंग मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम द माउथ, किसके लिए, टंग मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम द माउथ टू असिस्ट विद ब्रेस्ट एंड बॉटल फीडिंग, क्यों भैया क्यों करता है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम चोकिंग, वो क्योंकि आप उसे लिटा के पिलाते हो सारी चीजें, बच्चा लेटा हुआ होता है, गला चौक हो जाएगा, तो नेचर ने इतनी प्यारी चीज, क्योंकि 5 से 6 महीने बाद फिर वो लेट लेट के नहीं पीता, तो ये आपको रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा है, बार बार गले में उसके क्या हो रहा है, चौक हो रहा है, तो समझ लो कि कहीं सीपी ना हो, तो क्या बोलते हैं इसे, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स बोलते हैं, 5-6 महीने तक प्रेजेंट होता है बच्चों की जीभ बाहर निकल, और इसका मतलब पहचान है कि स्टिंकिंग टंग हो जाती है उनकी, एकदम स्टिंकिंग, कभी देखना अगर बच्चों की, टॉनिक बाइट या बहुत ज्यादा ले रहे हैं और एकदम काट ले रहे हैं निप्पल्स पर, टॉनिक बाइट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, स्पास्टिक वाली है, मसल स्पाज्म हो रही है, और डिफिकल्टीज इन फीडिंग है ना, कुछ भी और कोई प्रॉब्लम आ रही है,
अब ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, ये प्रॉपर रिफ्लेक्सेस अभी बताऊंगा तो इन पर तो दो लेक्चर अलग से चलेंगे। ये पूरा पीडीपी के अंदर 20 से 25 रिफ्लेक्सेस पढ़ोगे बच्चों में एज वाइज के कौन से एज पे कौन सा रिफ्लेक्स आता है। लेकिन अभी ये जरूर समझ लो कि ये रिफ्लेक्सेस आपको या तो बहुत ज्यादा, ये क्या है, हर रिफ्लेक्स अपने टाइम पीरियड पर खत्म हो जाता है, मगर ये एबनॉर्मल या तो एबनॉर्मल या बड़े चले जा रहे हैं। बहुत अलग अलग रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक होता है मोरो रिफ्लेक्स, एक होता है एटेनियन मोरो रिफ्लेक्स को एक नाम। ये सारे रिफ्लेक्स एक्सप्लेन पीडीपी में करेंगे, यहाँ अभी याद कर लो कि ये रिफ्लेक्सेस है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एटलीस्ट 20 से 25 रिफ्लेक्स याद करोगे, अभी ये समझ नहीं आएंगे। मोरो रिफ्लेक्सेस ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टल रिफ्लेक्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स एटीएनआर का फुल फॉर्म होता है, असिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स और लैंडेव रिफ्लेक्स। ये और भी बहुत सारे, ये नहीं, कम से कम 20 से 25 रिफ्लेक्स होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, तो उनको प्रॉपर पीडीपी में समझना पड़ेगा। बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिहेवियर हम अपन ने बात करी क्या, पुअर एबिलिटी टू कंसंट्रेट इरेटिवली, और एसोसिएट प्रॉब्लम में तो अपन सारी बात कर चुके थे, बॉवल ब्लेडर। ठीक है, आपको पता है पूरा सीपी में डिफरेंट डिफरेंट नोट्स से पढ़ा रहा हूं कि कोई भी चीज आपसे नहीं छूटनी चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ए टू जेड। सिर्फ और सिर्फ एक सर चीज, आप इसका सीरियल नंबर वाइज फिर आप सेंड भी कर देना, वरना पेज क्या फिर समझ नहीं आएगा। ठीक, हाँ तो ठीक है। बिहेवियर सिम्टम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में क्या अपन सब बात कर चुके हैं, हियरिंग, सेंसरी प्रॉब्लम, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, फीडिंग प्रॉब्लम, बिहेवियर, इमोशनल, जो मन में आ रहा है लिखो, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ब्लैडर बॉबल कंट्रोल, मूवमेंट सीजर, एपिलेप्सी, मेंटल रिटार्ड, लर्निंग डिसेबिलिटी, बट इन सम केसेस, ये जरूर लिख के आना, नहीं ऐसे पूरा मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी सब में नहीं लिख के आना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बंदा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा वो पढ़ने लिखने में होशियार नहीं है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल मत करना। कम्युनिकेशन चीज अलग हो जाती है, बिहेवियर चीज अलग हो जाती है, लेकिन लर्निंग एक क्षमता ज्ञान की, वो किसी से बंधी नहीं है कोई भी और चीजों से, ठीक है। डायग्नोस किससे करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रॉपर डायग्नोस सिर्फ एक ही है, वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। जितने सिम्टम्स पढ़ के आए हो बस यही सिम्टम्स पहचानने हैं, और इसका कोई प्रॉपर डायग्नोस नहीं है। हाँ, ये सिम्टम्स डिले हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप टेस्ट लगाओ, जैसे एमआरआई, एमआरआई में क्या दिखेगा, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अपने देखा ना मेंटल पालसी हो पहले से, यानी वो उनके फंक्शन क्या, उनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपके ऑर्गन से ब्रेन ऑर्गन वो क्या आपको उनमें प्रॉब्लम्स दिखेगी, सीटी स्कैन में प्रॉब्लम दिखेगी, ईजी यानी इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राम, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उन पर्टिकुलर एरियाज की क्या आपको डिमिनिश्ड मिलेगी, कम मिलेगी, है ना। लैब टेस्ट किस लिए करा सकते हो, जॉइंटेड बिलरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप बोल सकते हो अच्छा इसकी वजह से सीपी हो सकता है, मगर इसका मेन और मेन डायग्नोस बार बार एक ही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन, सिर्फ एक ही है, बाकी सब तो सिर्फ एसोसिएट चीजें बता देंगे, लेकिन प्रॉपर सीपी सिर्फ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पहचान पाते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पीटी न्यूरो का ट्रीटमेंट तो पूरा अलग से दो लेक्चर चलेंगे, वो नहीं, अभी मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा ऑन द बेस ऑफ न्यूरो, है ना। अब आप समझते हो कि फार्मा में इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर्स, इसलिए मैंने आपसे बोला कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं, वो अपनी दवाइयां दे दे के घुमा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम डिले हो जाता है। तो जैसे मोस्ट कॉमन बताता हूँ, अब ट्रीटमेंट मैंने बोला ना, सबसे अगर इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है ना तो वो स्पास्टिक वाले के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें मसल्स से टोन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज्यादा काम हमारा होता है टोन को कम करो, यानी स्पास्टिक वाले के लिए मोस्ट काम हम करेंगे ट्रीटमेंट में ऑन द बेस ऑफ न्यूरोलॉजी। बोटॉक्स, बैक्लोफिन, ये सब क्या है, बैक्लोफिन, डाइजीपक, ये सब क्या है, ये मसल रिलैक्सेंट है, तो मसल रिलैक्सेंट दिए जाएंगे, अगर मसल स्पाज्म और सीजर आ रहा तो कौन से देंगे, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दोगे, है ना, जो प्रॉब्लम है डिप्रेशन तो एंटी डिप्रेसिव, है ना, पेन है तो एनाल्जेसिक, तो वो जो उसको तकलीफ आ रही है भैया वो ड्रग दे दो, बाकी इससे ठीक कुछ नहीं होगा, इससे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, है ना, ठीक तो सिर्फ एक ही कर पाएंगे। और ये पता, ये ऐसे बच्चे होते हैं कि इसे सिर्फ केवल पीटी भी ठीक नहीं कर सकता, इसके पास पूरी टीम लगती है, अभी बताऊंगा कौन सी टीम लगेगी, ये सबका अगर बच्चे को ठीक करना है तो एक पूरा, इसको बोलते हैं रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम। रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम का मतलब होता है रिहेब करना, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलकर एक पीटी के बच्चे को ठीक कर पाएंगे, सिर्फ कभी पीटी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, सीपी को पीटी वाला कभी है फार्मा में, ठीक है। और कौन सा, ग्लाइकोपाइरोलेट, ये क्या ड्रग करते हैं, मतलब होता है ना ड्रोलिंग होती थी, ड्रोलिंग मतलब एक, ड्रोलिंग का मतलब होता है एक तरफ उसका वो लटक, मतलब एक तरफ से क्या सलाइवा निकलता है, क्यों, क्योंकि जो फेशियल मसल्स थी वो प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाई,
तो उसकी वजह से एक तरफ उसका क्या निकलता है, सलाइवा निकलता रहता है। तो ड्रॉलिंग ड्रॉलिंग वगैरह ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हो। और क्या कर सकते हो बोले, और हम कर सकते हैं क्या कि, और दूसरी तरफ देख सकते हैं पैमेड्रोनोट, ये ऑस्टियोपोरोसिस जिनकी बोन कमजोर हो रही है तो उनको ये, यानी मैंने कहा सिर्फ सिम्टम बेस्ड जो तकलीफ हो रही है, इससे ठीक कुछ नहीं कर सकते। और साथ साथ में सर्जरी, मैंने कहा था ना सारी सर्जरी स्पास्टिक वाले के लिए रहेंगी, क्योंकि जॉइंट्स टाइट हो रहे तो उन्हें उन्हें लूज करने के लिए टू लूजन जॉइंट्स। और क्या क्या बोले, वो रिलेटिवली जो मसल टाइट हो रही है उनके लिए सिलेक्टिव पोस्टीरियर राइजोटोमी, यानी जो ब्रेन का जो पार्ट गड़बड़ है उसे काटना पड़ जाएगा, या तो सिलेक्टिव पोस्टीरियर या सिलेक्टिव डोर्सल, पोस्टीरियर का मतलब ही डोर्सल होता है, ठीक है। तो ये दो मार्क्स में आ जाए तो आप जानते हो मैं बहुत बार आपको सिलेक्टिव डोर्सल राइजोटोमी बता चुका हूँ, उस ब्रेन उस चीज को हटाना, राइजोटोमी कट करना। फिजिकल एड्स में अब आप समझते हो फिजिकल एड्स में क्या देंगे आपको, दिखाए ऑर्थोसिस, अगर स्पाज में बन रहा है तो ऑर्थोसिस, दो फ्लैसिड है तो ब्रेसिस बनाओ, स्प्लिंट लगाओ, है ना, पोजीशनिंग डिवाइसेस जो प्रॉपर पोजीशन, वॉकर वगैरह दो, व्हीलचेयर, ये सब तो करने ही पड़ेंगे जब इसे चलाने के लिए। प्रॉपर इसका प्रोटोकॉल बनता है रिहैब से, रिहैब में इसमें क्या ड्रग भी चले साथ साथ में, एक पीटी वाला चल रहा है वो क्या करेगा बोले, पीटी वाला आपका पूरा मसल्स पे काम करेगा, साथ साथ में ओटी चलेगा, ओटी कौन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, वो क्या काम करेगा, वो जो फाइन मूवमेंट्स होते हैं जो स्पून पकड़ना ये सब करना वो उनका काम है। एक बीएसएलपी वाले यानी स्पीच और हियरिंग पे, ऑडिटरी वाले सुनने वाले, है ना, एक साइकोलॉजिस्ट भी काम करता है, साइकेट्रिस्ट वाला भी जो इनको मेंटल प्रॉब्लम है उनके लिए। जब इसको प्रॉपर अगर रिहैब मिले ना तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अगर किसी एक के भरोसे बैठ जाओ चाहे पीटी के चाहे ड्रग के किसी के, प्रॉपर रिजल्ट कभी नहीं। अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए पूरा ठीक करना है तो उसको रिहैब प्रोग्राम, इसलिए छोटी छोटी सिटीज में नहीं होते, बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे तो सीपी के अलग से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स बने होते हैं जो प्रॉपर सीपी के पेशेंट को ही देखते हैं और उनके अंदर सारे डॉक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको हर पूरा, इसको बोलते हैं रिहेबिलाइजेशन, वहीं पर वो रहता है और वहीं पर उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ नॉन प्रोग्रेसिव ठीक हो जाता है। एम हमारा क्या रहेगा, क्या ठीक करना है, वही सब जो सिम्टम्स आ रहे हैं, टू स्टेबलाइज लोकोमोशन, है ना, हमारा काम क्या है इसको चलाओ, लोकोमोट करना, कम्युनिकेट कर पाए, है ना, करेक्ट एसोसिएट डिफेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जो प्रॉब्लम्स आ रही उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करो, क्योंकि मैं बार बार यही बोल के आ रहा था, एक बार डिले कर गए तो फिर चीज है प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती। टू इंटीग्रेट और मोटर फंक्शंस वापस लेके आने, है ना, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो। और क्या बोटनिलियम टॉक्सिन, ये क्या स्पासिटी को कम करेगी, यानी जिनको स्पासिटी बढ़ रही थी, बोटनिलियम टॉक्सिन बताया था किससे निकलता है, बोटनिलियम क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है उससे एक टॉक्सिक रिलीज होता है, और ये पता है अगर आपको इससे आप लोग को मालूम पैरालिसिस भी हो जाता है, अगर ये बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर हो गया और उसने टॉक्सिक छोड़ दिया तो सारी मसल की पैरालिसिस हो जाती है। अब हम इसको थोड़े कम अमाउंट में यूज करते हैं, ये बहुत जिनको मसल की प्रॉब्लम होती है ना उनको सब बहुतों को दिया जाता है, एक तरीके से होता टॉक्सिक है, मगर बस हम सिर्फ इतने अमाउंट में करते हैं कि जो एबनॉर्मल मसल स्पास बढ़ गया सिर्फ वो रिड्यूस्ड हो, ठीक है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन ये है टॉक्सिन, डेंट्रोलिन, सोडियम बैक्लोफेन, डाइजीपाम, ये सब क्या है मसल रिलैक्सेंट है और सेडेटिव्स है। तो टू इम्प्रूव मसल कोऑर्डिनेशन, मसल रिलैक्सेशन, तो हम जो मेन ड्रग वगैरह दे रहे हैं अगर आप देख रहे हो तो किस पे दे रहे हैं, स्पास्टिक वाले को लेके ज्यादातर, क्योंकि हमें मसल्स वो कर पाएंगे, ड्रग से हम उसे ही तो ठीक कर पाएंगे, बाकी तो पीटीसी करना पड़ेगा और किससे करोगे। एंटी कन्वर्जेंट दे दो सीजर के लिए। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में क्या कर सकते हो, जो टेंडन्स हो गए तो उन्हें कट के बड़ा कर दो, कॉन्ट्रेक्चर्स बढ़ रहे हैं मसल बड़ी कर दो, अगर स्पाइन डिफॉर्मिटी आसपास ऐसी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके स्पाइनल प्रॉब्लम हो रही तो उसको ठीक कर दो, और गैस्ट्रोफीगल प्रॉपर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करो। यानी हम यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देंगे ना वो सिम्टम्स बेस्ड दे रहे हैं ड्रग में दवाइयों के, अगर प्रॉपर ठीक करना है तो उसके लिए तो प्रॉपर रिहेबिलाइजेशन ही चलता है। कुछ इसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोस भी रखो याद, क्या बोले क्या और ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनमें बेबी को थोड़े बहुत सिम्टम सेम दिख सकते हैं और आप कंफ्यूज हो कहीं ये सीपी तो नहीं है, बोले जैसे ब्रेन ट्यूमर, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में भी फंक्शन है, ब्रेन की जो भी चीज है लिख दो, मुझे बताना जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों का ब्रेन का सब लिख दो, ब्रेन ट्यूमर, मसल डिस्ट्रॉफी पढ़ा था, मसल डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पूरा का पूरा आपको पढ़ा चुका हूँ, एमएनडी पढ़ा दिया है ना, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ा चुका हूँ, स्पाइना बायफिडा पढ़ा चुका हूँ, स्पाइनल कॉर्ड लेजन पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोसेफेलस पढ़ा चुका हूँ, है ना, और ये जितने भी आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ब्रेन की जितनी लिगोरेटरी प्रोग्रेसिव सीएनएस डिसऑर्डर, मैं ए टू जेड आपको सब पढ़ा चुका हूँ, पूरा न्यूरो कंप्लीट हो गया अपना। तो यहाँ से आपको ये सब जो आपको पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स डले हुए हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, स्पाइना बायफिडा के, है ना, हाइड्रोसेफेलस के, सिरिंगोमेलिया के, सीएनएस इन्फेक्शन के, ये सब आपको कॉज के आपको क्या इनसे डिफरेंशिएट करना है, वरना क्या, क्योंकि सब में थोड़े बहुत सिम्टम्स ऐसे ही दिखते हैं, तो
तो आप डिफरेंशिएट इनसे जरूर करना, तो डिफरेंशियल डायग्नोस में आप ये सब लिख के आ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फॉर प्रॉपर सीपी विद रिस्पेक्ट टू ऑल न्यूरो। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।